मैं मौजूद हूँ दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, जो वर्तमान मीडिया का चरित्र है उसको लेकर एक विमर्श समाज के अंदर पहले से भी रहा है, लेकिन अब मीडिया जगत की कुछ हस्तियाँ इसके ऊपर गंभीर सवाल पैदा करने लगी हैं, गंभीर सवाल खड़ा करने लगी हैं। ऐसे ही आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम का जो विषय था कि मीडिया के लिए कुछ तो करना होगा, तो उसके अंदर बहुत सारे वक्ता थे, मीडिया जगत से, राजनीतिक गलियारों से लोग थे। ऐसे ही जो स्पीकर्स थे वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर जब मीडिया का चरित्र कॉरपोरेट हाथों में जाने के बाद बदला है तो अब क्या विकल्प हैं और किस तरीके से इसको दोबारा लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उसको मजबूत किया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर रतन लाल, जो हिंदू कॉलेज में हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और जो इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइज़र हैं ऊर्जा, वो वहाँ से आशुतोष पाठक जी हैं और पूर्व सांसद अरुण जी हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं पहला सवाल पूछूंगा पाठक साहब से कि ये जो मीडिया का चरित्र और स्वरूप की जो बात होती है, आप एक सामाजिक संस्थान हैं, आपको कैसे लगा कि इसके ऊपर एक बातचीत होनी चाहिए, एक विमर्श होना चाहिए? देखिए, अक्सर लोग जैसे कहने लगते हैं कि कॉरपोरेट के हाथों में जा रहा है, कॉरपोरेट के हाथों में जा रहा है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, कॉरपोरेट हमारे ही हैं। सवाल ये है कि गांधी कहते थे कि आप पैसे के ट्रस्टी हैं, अगर आपके पास संपत्ति है तो संपत्ति देश का है, आप उस संपत्ति के हिस्सेदार हैं। तो जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं, अगर वो व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, बिजनेस करना बुरी बात नहीं है, लेकिन बिजनेस न्यायपरक होना चाहिए। और अगर वो मीडिया हाउस में आते हैं, मीडिया चलाते हैं, उनको चलाना चाहिए। और मैं नहीं मानता हूँ कि कॉरपोरेट हाउसेज कहते हैं मीडिया के लोगों को कि तुम ये चलाओ, तुम ये ना चलाओ। मैं इसके लिए अपने मीडिया बंधुओं को जिम्मेदार मानता हूँ, वही वो सलाह देते हैं कॉरपोरेट को कि अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो आपको लाभ हो जाएगा। ये व्यक्तिगत लाभ हानि का विषय हो गया है और इसकी अब ये जो खाई है वो बढ़ती जा रही है। जैसा अभी अरुण बाबू ने कहा कि 4 करोड़ और 5 करोड़ के पत्रकार हैं, ये बात सही है, जो 7 करोड़ रुपये ले रहे हैं मासिक या सालाना, उनके ऊपर दबाव है और दबाव का मूल्य मिलना चाहिए, उसका भी मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना बड़ा फासला नहीं होना चाहिए कि किसी को 7 करोड़ और किसी को 10 हज़ार और 20 हज़ार रुपया। तो ये जो खाई है इसको ठीक करना पड़ेगा। यहाँ मैं कहता हूँ कि ये जो कॉरपोरेटाइजेशन है मीडिया का, इसकी खिलाफत जरूर होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक न्यायिक डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो डिग्निटी ऑफ लेबर खाली मीडिया के लिए नहीं, डिग्निटी ऑफ लेबर फॉर ऑल इंडस्ट्री हम लोग इसको मानते हैं। आज हमने जो कहा है कि उसमें मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब एजेंडा मीडिया और गोदी मीडिया, ये दो शब्द बहुत प्रचलित हो गए हैं और इसमें नुकसान मुख्य तौर से ईमानदार जर्नलिस्टों का हो रहा है। और मैं मानता हूं कि 98% जर्नलिस्ट जो डेस्क पे काम कर रहे हैं, जो फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको ना एजेंडा से मतलब है, ना उनको गोदी से मतलब है। वो इंजस्टिस के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं, तभी वो मीडिया में आते हैं। जहां अन्याय है उसके खिलाफ वो मुखर होना चाहते हैं, अन्यथा वो परचून की दुकान खोल लेते। मीडिया में आने का मतलब है कि उसमें कुछ बागीपन है, वो कुछ इनजस्टिस के खिलाफ खड़ा होना चाहता है, आवाज़ बुलंद करना चाहता है, कलम बुलंद करना चाहता है, वो नहीं हो रहा है। इसको लेकर के आज हम लोगों ने ये तय किया है कि इस धारा को गांव-गांव फैलाना चाहिए, ले जाना चाहिए और ऐसे मीडिया बंधुओं को इकट्ठा होना चाहिए कि ये गोदी और ये एजेंडा, इन सबसे बाहर आकर के मीडिया के बंधु, मीडिया पर्सन कैसे बने रहें इनजस्टिस के खिलाफ, चाहे वो दक्षिणपंथ हो, वामपंथ हो, मध्य मार्ग हो, किसी भी मार्ग के खिलाफ अगर गलत है तो ऐसे पत्रकारों को खड़ा होना चाहिए। और पत्रकार कौन होगा अब यह भी मानक तय करना पड़ेगा, क्योंकि जो अल्टरनेटिव मीडियम है उससे एक बहुत बड़ी चुनौती उत्पन्न हो गई है, जिसका मैंने जिक्र यहाँ पर किया था। तो इसलिए हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया। मैं आभारी हूँ अरुण जी का जिन्होंने स्वीकार किया हमारे आमंत्रण को, रतन जी का, जितेन जी का, और सब लोग आए और सब ने अपनी अपनी बात रखी है। अब देखते हैं कि ये कारवां कितना आगे बढ़ता है। पाठक जी के हिसाब से जो नया मीडिया है वो कहीं ना कहीं जो पारंपरिक मीडिया है वो एक उसके लिए चुनौती बना है। सर, लोकतंत्र में चौथा स्तंभ मीडिया है और जिस तरीके से जो मौजूदा हुकूमत खासतौर से आई है उसके बाद से जिस तरीके से मीडिया का चरित्र सामने आया है, विपक्ष के लिए क्या चुनौतियां आ गई हैं? देखिए, विपक्ष और पक्ष की बात यहाँ नहीं है,
जिस तरीके से आवाज़ दबाई जा रही है और मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर, हम लोगों ने डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का पीत पत्रकारिता भी देखा है और इमरजेंसी के समय मीडिया के खेल को भी देखा है, सत्ता ने क्या क्या किया है, आज भी वही हो रहा है। ये सत्ता का चरित्र है कि हमारे खिलाफ़ चीज़ें नहीं जाएँ। जो लिबरल होते हैं, जो चीज़ों को ट्रांसपेरेंट बना करके रखना चाहते हैं, वो मीडिया को तवज्जो देते हैं, अन्यथा मीडिया को गुलाम बना करके रखना चाहते हैं। आज वही हो रहा है जो पीछे होता रहा है। इसलिए ज़रूरत है कि बागी व्यक्ति पैदा हो जीवन के हर क्षेत्र में, और इसके लिए हमारे के यहाँ जो ऋषि सत्ता है और कृषि सत्ता है, जो सनातन परंपरा को ताकत देता रहा है, जो गांव खेत खलिहान को मजबूत किया है, उसको मजबूती प्रदान करना चाहिए। जब तक शिक्षक नहीं होंगे तब तक विद्रोही तेवर का लोक पैदा नहीं होगा, तब तक अंबेडकर पैदा नहीं होंगे, तब तक तिलक पैदा नहीं होंगे। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम बगावती तेवर यानी अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला व्यक्ति चाहिए। व्यक्ति से समाज का निर्माण होता है और समाज जितना मजबूत होगा, जितने अच्छे व्यक्ति होंगे उतना ही समाज मजबूत होगा। समाज से राष्ट्र और राष्ट्र से विश्व मानवता, ये एक प्रक्रिया है और हजारों वर्ष से गुलामी आज़ादी सब देखता हुआ यह मिट्टी आज भी गांव स्वतंत्र है। वैचारिक रूप में गरीब से गरीब व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहता है, यह शहरी मानसिकता है अपने लाभ के लिए अपने स्वाभिमान को बेच देते हैं, गिरवी रख देते हैं। इसलिए आज भी गांव से आने वाले शिक्षक, गांव से आने वाले सेना के ऑफिसर पदाधिकारी, वो विद्रोही तेवर के होते हैं और आज भी हैं, पत्रकार भी हैं। इसलिए इस परंपरा को मजबूती के लिए गांव को मजबूत रखने की ज़रूरत है, शिक्षकों की ताकत को मजबूत रखने की ज़रूरत है। आज बागी जो कुछ देख रहे हैं पत्रकार, उसका कारण यही है कि उनके शिक्षक ने यह प्रतिकार का भाव बीज उनके अंदर डाला है। आज JNU जैसी संस्था कमज़ोर पड़ रही है, दिल्ली विश्वविद्यालय जहां पर आम गरीब परिवार के खेत खलिहान के लोग पढ़ते थे, पढ़ाते थे, ये सारी चीज़ें कमज़ोर होती जा रही हैं। IIBM मजबूत हो रहा है, IIBM से इस राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा, मैनेजर पैदा होगा। तो पत्रकारिता में भी मैनेजर है, संस्कृति में भी मैनेजर है। मैनेजर शब्द से गांव के लोग घृणा करते हैं, मैनेजर शब्द से गांव के लोग घृणा करते हैं। आज मैनेजमेंट मैनेजर ये जन्म ले रहा है। हमारी सतत सनातन संस्कृति जो है, यह मैनेजर भाव का नहीं है, यह स्वाभाविक यहाँ एकलव्य भी पैदा हुआ है। इसलिए इन मूल्यों की रक्षा के लिए, जहाँ से कि मिट्टी में रत्न गर्भा है और तमाम शक्तियाँ विश्व मानवता के लिए, अंतिम व्यक्ति के लिए, हमारे मूल्यों के लिए बगावत कर सकता है, उस पर कोई कुठाराघात है तो उसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बगावती थे, इसलिए अंत में पूजे गए। शुरुआती दौर में बहुत कठिनाई हो गई। आज वो लोग जो लोग विरोधी थे, उनके मानने वाले लोग भी आज मानने लगे हैं कि नहीं, डॉक्टर अंबेडकर समाज का निर्माण करना चाहते थे। समाज में जो डिस्पैरिटी थी, उसको, जो गंदगी थी, जो ठहराव था, जो धर्म के नाम पर, जो जाति के नाम पर, जो शोषण था, इसके विद्रोही थे। और उस विद्रोह ने आज कुछ हद तक एक दर्शन आम लोगों में स्थापित करने का काम किया है। इसलिए ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये तो चीज़ें चलती रहती हैं। बगावती तेवर जिंदा रहेगा तो मूल भी जिंदा रहेगा और यह राष्ट्र मजबूत होगा। इसलिए यह जो आयोजन किया गया, हम मानते हैं कि उसी परंपरा के लिए आज एक बीज मंत्र डाला गया है, इसका विस्तार होगा। ठीक है, हमारे साथ हिंदू कॉलेज के इतिहास के प्रोफेसर रतनलाल हैं। सर, आपसे सवाल ये है कि जो आज वर्तमान मीडिया का चरित्र है, उसको अगर हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या समझ आता है कि क्या इतिहास में इस तरीके की मीडिया का स्वरूप पहले इस तरीके से रहा है? देखिए, जो समाज होता है उसी तरह की संस्थाएँ होती है, चाहे न्यायालय हो, चाहे वो मीडिया हो, तमाम हो। लेकिन अरुण जी ने अभी बात की थी बगावती तेवर, तो जो ज्ञान के सृजन के क्षेत्र में जो लोग होते हैं, चाहे टीचर हों, चाहे पत्रकार हों, वकील हों,
उनके अंदर वाकई एक बगावती तेवर होना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था जो है उसमें अन्याय रहते ही होते ही होते हैं, वो यथा स्थितिवादी होता है, स्टेटस को ही होता है। इसलिए ऐसे लोग जो नॉलेज के प्रोडक्शन में हैं, चाहे पत्रकार हों, चाहे शिक्षक हों, वकील हों, उनमें बगावती तेवर का होना जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि भारतीय समाज जो है सिर्फ गांव प्रधान नहीं, जाति प्रधान समाज भी है, और जो जातिवाद है, जो जातीय भेदभाव दमन है, वो भारत के हर संस्थानों में इंक्लूडिंग मीडिया हर जगह है। इसलिए मुझे लगता है कि जब तक इन संस्थानों में डाइवर्सिटी के सिद्धांत को नहीं लागू किया जाएगा, जब तक प्रतित्व के सिद्धांत को नहीं स्वीकारा जाएगा, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। आपने अपने वक्तव्य में गांधी और अंबेडकर का जिक्र किया, मैं एक बार चाहूंगा कि आप वो एक बात हमारे दर्शकों को जरूर बताएं कि वो क्या बात थी और किस तरीके से पत्रकारिता को हम ऐतिहासिक उस तरीके से उस नजरिए से देख सकते हैं। गांधी और जिस समय अंबेडकर का जमाना था, अगर आज अंबेडकर होते तो आज भारत सरकार के खिलाफ खड़े होते। इसलिए मैंने कहा ना कि जैसा समाज होता है वैसी संस्थाएं होती है। तो आज जो पत्रकार आप देख रहे हैं, उसी तरह का पत्रकार उस समय भी था जो अंबेडकर साहब के खिलाफ जिंदगी भर छापता रहा और उनकी खबरें नहीं छापता था, उनके खिलाफ बढ़ा, जब मैंने कहा है अपने वक्तव्य में। तो इसलिए कहा कि समाज आर्थिक परिवर्तन ओवरनाइट हो सकता है, लेकिन समाज का बदलाव जो है ना वो 100 साल 50 साल लगता है, तब थोड़ा सा बढ़ता है और स्वतः नहीं बढ़ता है। उसके लिए जैसे अरुण जी ने कहा या पाठक जी ने कहा, ह्यूमन इंटरफेरेंस, बागी लोगों का होना जरूरी है। जब तक बागी लोग नहीं होंगे तब तक समाज में जो है ना वो ठहराव बना रहेगा, उसमें हलचल नहीं होगी। तो ऐसे बागी लोगों की ज़रूरत होती है कि समाज के ठहराव को वो तोड़े, कम से कम ठहरे हुए जल में कंकर मारे, पत्थर मारे, कि हलचल हो उसमें। तो इसलिए ये ज़रूरी है। और उस समय भी पत्रकार वैसे ही थे, आज भी देखेंगे, मैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ और पत्रकारों से मेरा रिश्ता रहा है, व्यक्तिगत भी या प्रोफेशनल भी। तो आज भी मीडिया घराने में उठाकर देख ली, इसमें बहुत सारे रिसर्च आ चुके हैं कि आज भी मीडिया घराना भी जाति के नाम पे बटा हुआ है। तो आपके न्यूज़ रूम में अगर डाइवर्सिटी नहीं है, रिसोर्स पर्सन जो बुला रहे हैं उसमें डाइवर्सिटी नहीं है, तो कहाँ से आप महिला हैं नहीं, या सारी बात महिला के आप कैसे आप समझा सकते हैं। तो ये ज़रूरी है, और इसलिए मीडिया के अपने चरित्र को भी बदलना जरूरी है। दूसरी बात, एक कॉरपोरेट की बात आई, तो देखिए भारतीय समाज ऐसा रहा है ना कि यहाँ अतिवाद कभी जो है समाज ने स्वीकार नहीं किया है। तो अगर ये पूंजीपति ये समझते हैं कि वो देश के मालिक हो गए हैं, तो इसी के खिलाफ आंदोलन शुरू होगा और उन्हीं के राष्ट्रीयकरण का सिलसिला शुरू होगा। इसलिए कॉरपोरेट मीडिया है तो जन मीडिया भी खड़ा होगा, जन मीडिया से जन आंदोलन होगा। पत्रकारिता कोई धंधा नहीं है, पत्रकारिता एक जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे रतनलाल सर, जो जिन्होंने बताया कि पत्रकारिता का जो आज वर्तमान चेहरा है उसके अंदर कहीं ना कहीं एक जो बागीपन है वो तेवर ख़त्म हो गया है। अम्बेडकर नामा के लिए प्रेस क्लब से मोहम्मद वसीम की रिपोर्ट।